हम नाराजगी गलती थी नाराजगी का नाम मुझसे गाइस आई लव यू एंड आई एम सॉरी हम लोग की जो थोड़ी सी थी नाराजगी हम दोनों ने रो के सही कर तो रोने भी लगी थी जब मैं उससे मिली तो मुझे दुख हुआ मैंने उसको सॉरी करा मैंने उससे माफ़ी मांगी मैंने उसे प्यार करा और मैंने उसे कहा यार अगर तुम मेरी इस बात पर नाराज थी तो मेरा ये मतलब नहीं था तो मैंने उसको समझाया और खैर हमारे बीच में जो बात थी वो सॉर्ट आउट हो गई। क्या करूँ अभी तो और कम करना 55 पे जाना अभी तो 69 हुआ बस हो गई नहीं अभी काफी है नहीं अभी तुम्हारा जितना पतला हो रहा है बस मैं भी जो बहुत मोटी हूं अभी तो हम बात ही बोल रहे थे आज इतना नूर क्यों आया हुआ है बहुत बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है गाय जब हम लोग नीचे जा रहे हैं हम रिबन कटिंग होगी गाइस सब आ चुके हैं और यहाँ पे रिबन कटिंग चल रहा है फजीला माई बेस्ट तो इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है गाइस कुछ हो रहा था मैंने कहा मैं भी फोन खोल चलो शोर मचाओ चाहिए इतना ड्रेक व्लॉग नहीं चाहिए जल्दी करो यार बच्चे भी मॉम टॉक गाइस आंटी बताते हुए कि तुम इतनी ठीक लग रही हो ज्यादा कम मत करो हाँ नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हूँ इतनी ही रहो अगर ये बोलेंगी तो पता लगे मैंने फिर खाना स्टार्ट कर दिया मैं फिर मोटी हो जाऊंगी नहीं नहीं अब तो दिल मारना पड़ेगा ना कश्यप अब ऐसा रहने तो दिल मारो वरना और मोटी हो जाते वो चीज नहीं अच्छी लगती जो बात है कहते हैं ना जबान के चटकारे रोकने पड़ते हैं ये अम्मा वाली बात करी है आपने पेट नहीं मांगता तो चटनी अगर आप चाहे कर लिया कि मुझे ये चीज करनी है तो वो फिर आप करोगे जो बात है हो रही है केक कटिंग ओके ओके अल्लाह हाफिज़ गौर से देख एचपी का देख ना फरमानी करी तो ठीक है मजाक उड़ा रहे हो तुम मैं तो आपके फेवर में बोल रहा हूँ पागल ये रात में चश्मा क्यों पहना हुआ है वैसे लगे अच्छा हूँ ये गाइस अपने सब अपना व्लॉग खोल के मेरे कैमरे में छुप गया तेल कर दो मैं होता ना कसम खुदा की लाइव मैं लाइव जाऊँ और शेयर कर दो इंस्टाग्राम पे लाइव चले यार यूट्यूब पे पैसा ही पैसा क्यों यूट्यूब हाँ जो बात क्या हुआ अभी हम वहाँ से लेकर आई है कहती है सूप सूप मैंने कहा कहाँ है सूप से मसाला पड़ा हो दुआ गरमाइश लेते हुए आँख की लेकिन फेस से तो नहीं लग रहा फेस पे बहुत ऑयल ऑयल स्वेटिंग लेकिन अच्छी होती है आपको पता है मेकअप ग्लो करता है ग्लो और अभी कर रहा है क्या कर रहे हो
थैंक यू। खुद खाना है अपने जैसा आपका दिल करे। भाई ये कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, सभी का भाई है। वो क्या मतलब है ओवर, ये बात तो मैं व्लॉग में बोलना जरूरी थी। बेइज्जती करवा रहे हो, वो मेरा भाई है। दुनिया के सारे मर्द मेरे भाई हैं, सिर्फ मेरे उनके अलावा। तुम्हारा वो है कौन? कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन सिर्फ वो भाई नहीं है मेरा। पता कैसे चलेगा तुम्हें? तुम छोड़ दो मेरे व्लॉग के जान, तुम मेरे व्लॉग में व्यूज क्यों लेने आ जाते हो? रेवेन्यू तुम आता मेरे साथ ही तो शेयर करती हो। तो अब पूरे व्लॉग में सिर्फ यही। और यहाँ पे मम्मा मुझे सूप देते हुए, और अम्मा ये लोग क्या फोड़ रहे हैं, मुझसे पूछ भी नहीं रहे यार। दो तीन दफा पूछा, दो तीन दफा। थैंक यू भैया, मैं सूप पी लूंगा। अभी सारी टेबल्स छोड़ के यहाँ पर क्यों आए हो? सारी टेबल्स छोड़ के यहाँ पे क्यों आए? तेरी वजह से खाना यहाँ ज्यादा रखा हुआ है। अम्मा चेरा बिल की बातें सुन रही आप, कह रहा तेरी वजह से यहाँ पे इसलिए आया हूँ, टेबल पे खाना ज्यादा है। तुम डाइट पे हो तो हमें खाना पड़ेगा ना। जो बात है, मैंने कसर को आज एक आइडिया दिया, यूट्यूब पर लाइव चले आकर इवेंट में जाके पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा। क्या बोला इसने गाने? मैं समझ गया, सब वही काम करने लग जाएंगे फिर। नहीं वो नहीं कहा मैंने, कहा तो चलो ठीक है मैं बंद करी हूँ गाइस, मुझे सुनना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। नमक देना भैया, सारा बिल चार करेंगे। अगर अल्लाह चले एक तो हो जाए बिचारे की। अच्छा किसी किसी को ना इकट्ठे मिल जाती है तो समझे, मतलब तू ये कहना चाह रहा तुझे इकट्ठी हो सकता है मुझे इकट्ठी मिल जाए। हर सुबह में एक करनी चाहिए आप। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ आपका दिल लगे, सुबह सिंध, सुबह पंजाब, सुबह सुबह बलोचिस्तान। गाइस हमारे पास माशाल्लाह के साथ जो है खाना आ चुका है, और वापस भी ले गए। मतलब बोले तुम खिचड़ी खाओ, यार कौन लोग हैं यार? अच्छा खाना दिखाया, बोले तुमको खिचड़ी के पैसे लो, बोले खिचड़ी खाओ। आइए आइए, वाओ गाइस, जरा भी कम हाथ रखना। तो मैंने ले ली है चिकन के पीसेस एंड यस बाजरा, बाजरा। बड़ा अफसोस की बात है यार, चुपके चुपके से निकाल रहा, बिहारियों को चावल नहीं दे रहे थे। जो बात है चला भी इतना भी डालो ना, थोड़ा सा चावल साइड। थैंक यू ब्रो। और बस बस मेरे लिए बहुत है, ये भी बहुत है। हाँ बहुत है, तबिला हमारे साथ बैठने के बाद बहुत खुश। क्या मुझे इधर करो, क्या ये की है? भले माँ भूखी सोया है, विलोग होना चाहिए। अल्लाह इमरान, अल्लाह अल्लाह, इमरान के अंदर बहुत अदा है, कोरियोग्राफर हूँ ड्रांस की अका। ओ माय गॉड, अल्लाह जी अल्लाह अल्लाह, मुझे लगता है किसी ने मेरे ऊपर इतना फोकस करके मेरी ऐसी वीडियो नहीं बनाई होगी। कपड़े महंगे पहने हुए ना हमने। बज गया बज गया बज गया, कंटिन्यू करते यहीं से व्लॉग, कंटिन्यू करते व्लॉग। अभी बज गया मोबाइल कश्यप का, ये मेरी बुराइयां कर रही थी, मोबाइल गिरा, अभी कभी हिसाब हो गया। जो गाइस गाइस भी देखे हम लोग, नाराज थी, गलती थी, नाराज थी मैं नाम में से। गाइस आई लव यू एंड आई एम सॉरी, हम लोग की जो थोड़ी सी थी नाराज, हम दोनों ने रो के सही कर दिया। मैं घर पे रोई, अगर नाम अभी भी रो रही है सॉरी। कंटेंट गाइस व्यूज कपड़े मिले अल्लाह हाफिज़।
अब तुम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, चलो लाफिज लाफिज लाफिज। हेलो मेरे जितनी बेइज्जती कर रहे अल्लाह देख के मार। मैंने ले लिया था रक्षा। बाय 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 गाइस फाइनली बाय बाय। सो गाइस नाउ हम लोग घर आ चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में और क्या कहते हैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस व्लॉग को। अच्छा जो जरनाब वाला टॉपिक है कि क्या हुआ था, ज़ारेब ने मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया, क्या प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कल के व्लॉग में क्लियर करूँगी और बताऊँगी। और ये देखें यहाँ पर बाबा ने ये वाला झूला रख दिया। आहिस्ता 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 वो घर सेट हो रहा है। अभी गेट इतनी ज़ोर से बंद होगा कि पूरा घर हिल जाएगा। हाय एवरीवन, तो कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ क्लियर करनी थी। तो सबसे पहले तो अस्सलामुअलैकुम। तो आपने जरनाब वाला क्लिप देख ही लिया होगा और काफ़ी लोगों को ये था कि जरनाब ने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया। तो मैंने यही कहा था कि भाई सबका अपना अपना होता है, कोई बुलाना चाहे बुलाए, कोई नहीं बुलाना चाहता वो उसका अपना वो है। तो जब मैं हुसैन के इवेंट में थी तो मेरा हक था नाराज़ होना, मैंने उनसे सवाल करा। तो जरनाब किसी बात पर मुझसे नाराज़ थी, उसे मेरी कोई बात बुरी लगी थी और उसका हक भी है मुझसे नाराज़ होना, क्योंकि हमारा बॉन्ड अलग है बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब हम मुझे यही था कि हम लोग सबसे ज़्यादा अलग रहते थे, हमारा बॉन्ड अलग था और जो लोग थे उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं थी, तो उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट थी तो वो मुझसे नाराज़ थी और उसका हक बनता था मुझसे नाराज़ होना। वो बात इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन थी भी एक तरह से, क्योंकि वो मुझे कुछ समझती जब भी वो मुझसे नाराज़ थी और इसी वजह से उसने मुझे अपने इवेंट पे नहीं बुलाया। तो मुझे हर्ट हुआ कि यार वो मुझसे नाराज़ थी और मुझे पता नहीं था कि वो मुझसे इस बात पे नाराज़ है। तो वो रोने भी लगी थी जब मैं उससे मिली, तो मुझे दुख हुआ, मैंने उसको सॉरी करा, मैंने उससे माफ़ी मांगी, मैंने उसे प्यार करा और मैंने उसे कहा यार अगर तुम मेरी इस बात पर नाराज़ थी तो मेरा ये मतलब नहीं था। तो मैंने उसको समझाया और खैर हमारे बीच में जो बात थी वो सॉर्ट आउट हो गई और सारा मैटर जो भी था वो सॉर्ट आउट हो गया। और मैंने उन्हें कहा कि भले अब मैं शादी में नहीं आई लेकिन अब मैं तुम्हारी दावत बहुत ग्रैंड करूँगी, अब तुमने आना। और दावत मैं घर पे ही करूँगी क्योंकि दावत तो सब बाहर ही करते हैं, मैं घर पे करूँगी और मैं सब खुद बनाऊँगी और बहुत बेहतरीन दावत करूँगी। और हमारे बीच का जो भी मैटर था सब सॉर्ट आउट हो गया और हम लोगों ने बहुत सारी गप लगाई, बहुत मज़े भी करे। मुझे तो गुस्सा भी है, दुख भी है बहुत ज़्यादा क्योंकि मैंने उनका इवेंट मिस कर दिया यार, लेकिन खैर कोई नहीं, अब दावत में एंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने भी सबके सामने बोल रही हूँ कि वो हर्ट थी, मैंने उसको सॉरी बोला, मैं अगेन उसको सॉरी बोल रही हूँ अगर वो मेरा ये व्लॉग देख रही होगी, क्योंकि बात इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन ये है कि उसका हक था क्योंकि वो मुझे कुछ समझती है जब भी वो मुझसे नाराज़ थी। खैर आई लव यू जरना, आई लव यू। और अभी गाइस सुबह हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ नीचे, नीचे देखूँगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चलते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप क्या कर रही हैं और ये क्या पहन के आई हैं आप ही? क्या पहना है मैंने? क्या पहना है? कुछ नहीं पहना। अच्छा लग रहा है आप पे, कम लग रही हैं आप बहुत। मैं हूँ कम नहीं, शक्ल है कम। और यहाँ पर मैं पी रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफी, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही, वो बात ये है, एक बात ये समझ नहीं आ रही कि मेरी सीधी आँख क्यों फड़क रही है, फड़के ही जा 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 रही है, फड़क ही रही है। और कल मम्मा, अच्छा हो जरनाब और मेरा जो मैटर था वो सॉर्ट आउट होता ही नहीं, कल मम्मा ने सॉर्ट आउट करवाया, मम्मा ने पूछ लिया। मैं आपने क्या पूछा था? मुझे जिस तरह से मुझे देता है अहमियत उस हिसाब से मुझे फील हुई थी ये बात, तो उसने मुझे बोला कि आप जरनाब से पूछे, जरनाब का मूड खराब है। खैर वो सारी बातें तो तुमने डाली दी है के बारे में, तुम भी तो गलत हो ना यार, अभी भी तुम हरकतें कर रही हो, मजाक मजाक में फजीला को क्या क्या बोल रही हो। तो वो दोस्त है मेरी, मैं उसके मैंने माना तुम्हारी दोस्त है लेकिन गलत हरकत है तुम्हारी। दुआ उसका दिल अभी खराब हुआ है, उसका दिल खराब हुआ है, जो इर्द गिर्द वाले है वो उसका और दिल खराब करेंगे। मतलब जब एक थोड़ा सा जरा सा दिल में मैल आ जाए ना तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, याद रखना। और तुम गलत हरकतें कर रही हो, आंख मार मार के हर बात कर रही हो, तुम उसको बोलो पहले। वो मेरा नेचर है, मेरे ब्लॉग में सबको पता है मैं इस तरह रिएक्ट करती हूँ। नहीं तुम गलत रिएक्ट कर रही हो,
वो जाहिर सी बात है अभी उसका दिल खराब हुआ है। जो भी तुम लोगों का नहीं है आपस में, माना कि तुमने बात साफ कर दी, दिल साफ कर लिया, लेकिन तुम जो हरकतें कर रही हो उस हिसाब से तो उसका दिल खराब हो रहा है ना। चलो उसका नहीं हो रहा, मैं जानती हूँ उसकी नेचर तो ऐसी दोस्त है, मैं उससे मजाक उसकी नेचर ऐसी नहीं है, मैंने मान लिया, लेकिन उसके इर्द गिर्द वाले जो है ना वो उसको इस तरीके से पुश करते हैं। क्या कह रही हो, इधर आके बोलो, इधर आके बोलो क्या कह रही हो। व्लॉग बंद हो गया था। अगर तुम्हारे पैरों का एक्सरे कराया जाए तो तुम्हारे पैरों में इसकी डिमांड मिलेगा, टखनों की, इधर घुटनों के अंदर हो गया तुम लोगों का। तो गलत क्या बोल रही है, तुम्हारे घुटनों में ही दिमाग है, इस्तेमाल नहीं करती है उसका वो, इसमें यहाँ से हकीकतन जो है ना तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल लोग करते हैं, तुम नहीं करती है, तुम्हारे को बोलते रहते हैं और वो तुम बोलती रहती है टैन 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 टैन, अपने दिमाग का भी तो। अब कोई बात नहीं, चलो हो गया, अच्छे से दावत करेंगे, मुझे भी लेके जाना। नहीं, हम दावत घर में ही करेंगे और ग्रैंड दावत करेंगे, हम एक से एक चीज बनाएंगे, 7-8 डिशेस बनाएंगे, हम बहुत एंजॉय करेंगे। घर में बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी पुलाव, बनाऊंगी कढ़ाई, बनाऊंगी, तुम बिरयानी बना लेना, कोरमा बन जाएगा, निहारी नल्ली निहारी बन जाएगी, और उसकी अम्मी भी को भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, मतलब काफी लोग, मतलब खाने वाने क्यों ओपन कर रही हो। अच्छा सॉरी गाइस, भाभी की फैमिली भी तो आएगी ना, चली जाएंगी ना, वो आज चली गई होंगी, मजा आएगा, एंजॉय, बस एंजॉय करेंगे। ऊपर का पोर्शन जो है ना, ऊपर का पोर्शन रखेंगे, ऊपर का पोर्शन काबिल, आप ही का कमरा रखेंगे ना, आप ही का और फारिस का बाहर रखेंगे, बाहर की बिल्कुल वो करके। हमारे पास दिमाग है लेकिन इस्तेमाल दूसरे करते, वो सड़ गया है दिमाग, आपको बंदी लग गई होगी, मैं तो बोल रही हूँ, बचपने से अभी तक तुम्हारी यही हरकतें, समझा के समझाने दो, दिमाग का इस्तेमाल करो। कल भी मुझे इतनी हैरानी हुई कि यार तुम्हारे दिमाग से लोग फायदा उठाते हैं। मैं क्या फायदा उठाया, मतलब लोगों के दिल तुम्हारी तरफ से खराब हुए, तुम अल्फाज अदा कर देती हो, सोचती हो मेरे मुंह से निकल जाते हैं यार। यार दुआ दमान पे क्यों नहीं कंट्रोल है, भूल जाती हूँ, ये नहीं सोचती कि तुम्हारी जबान से कितने लोगों का दिल दुख जाता है। माफी मांग तो ली बैठ कर उसके साथ, और क्या करो अब, अभी तुमने आज कल माफी मांग ली, आज मैं तुम्हारा व्लॉग देख के मैं देख रही हूँ फजीला के साथ, तुम फजीला तो व्लॉग के अंदर सामने है, उसके साथ ही मजाक कर रहे थे हम लोग, मतलब तुम माना के कर रही थी लेकिन देखने वाले फजीला को टोंट मारेंगे कि तुम्हारी दोस्त ऐसी, तो वो भी कर रही थी, हमाद ने भी बोला तो वो हमारे बीच में मजाक चला था, उसकी चीजें व्लॉग में नहीं आई, मैं व्लॉग में ही कर रही थी तफरियां एंटरटेन करने के लिए। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ तुबा के घर, मैं घर से निकल गई थी क्योंकि उसने नाराज होकर मुझे ब्लॉक कर दिया, अब मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ, और अभी देखती हूँ तो वो क्या कर रही है, क्योंकि कमिंग सून उसकी शादी होने वाली है। और तुबा मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है, क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं उसके घर नहीं आई, और अभी मुझे लग रहा है वो सो गई। सो फाइनली मैडम के घर आ गई मैं, मैडम ने जो है मुझे ब्लॉक कर दिया था, तो मुझे ये क्या बदतमीजी आपकी, मैडम ने मुझे ब्लॉक कर दिया था, बहुत ख़तरनाक हमारी बात ख़त्म हो गई थी, फिर स्नैपचैट पे मैसेज नहीं देख रही थी मैडम, और मैं बाहर खड़ी हुई ख्वार हुई हूँ 15 मिनट, मैं पागल थी। तू भाई पागल, इसमें कुछ शक है, तू पागल है। खैर, आप लोगों को सरप्राइज मिलने वाला है गाइस, बाय गाइस। सुबह मुझे दिखा रही है कुछ, मैं देखूंगी वो क्या दिखा रही है, दूर दूर से मुस्करा रही है। दरअसल बात ये है कि तूबा ने बहुत ज़्यादा पर्दा कर लिया, तो इसलिए मैं उसको ले नहीं सकती हूँ ब्लॉग में, वरना मैं ज़रूर दिखाती। वाह, किस चीज़ के लिए ये, किसके लिए है ये, है किसका, नाइला का, नोबिया का, नाइला, क्योंकि मैंने दिखाना ये नहीं था, तूने ब्लॉग खोला मैंने ये दिखा। अल्लाह, मैं वही बोलूँ, ये शादी पे ये क्या पहन रहे, अल्लाह तौबा, ये मेरे साथ देख रहे हैं आप लोग क्या कर रही है। तूबा तुमने खाना बनाना सीख लिया? ओ, ऐसा लश आता है तुझे, मैं कल पुलाव खिलाती हूँ। पुलाव भी बनाना सीख लिया, काम वाली बंदी हो गई, शादी के बाद काम करेगी, जाहिर सी बात है, क्यों नहीं करूँगी। वाह यार वाह, ये तूने मुझे किसके कपड़े दिखाए, ये तो पुराना कोई अफर था। तो मैंने भी पता है आपको ऐसे कस्टमाइज कपड़े बनवाए इसकी शादी के लिए, सारे इवेंट्स के लिए, इवेंट जो घर में ढोलकी होगी ना उसका भी सिलवाया।